शुरू हुआ था व्यापार में 1966 में, और वैसे भी समय और मौसम के हिसाब से भी बड़ा ठीक रहता है। तो यह हमारा निश्चित राज्य हम तो विचार आए। मैं सोच सकता हूँ, मेरे अभी भाई बोल रहे थे भिवानी से, भानु प्रसाद जी बलबल से बोल रहे थे, सारे ये कहते हैं कि भैया जो जो ये हमारी स्वयं जयंती जो है, ये हमारे जो है इसके अंदर होनी चाहिए। लेकिन एक आप और परिस्थितियां देखते हैं तो आप अच्छा फैसला और ले सकते हैं। तो 3 साल जो आए हैं, आज हमारे हरियाणा के ज्यादातर सरसा से, होडल से, पलवल से, फरीदाबाद से, बहुत दूर दूर से हमारे व्यापारी जो कि कार्यकारिणी हरियाणा की थी, वो उनके कार्यकर्ता पहुंचे, जिसमें हमारे उन्होंने यहाँ इसी यही निर्णय था कि 50 गोल्डन जुगली जो मनाई जाए वो किस प्रकार से मनाई जाए, और व्यापारियों की कई समस्याएं हैं उसको किस प्रकार से दूर किया जाए, जो कि 21 मेंबरी कमेटी आपके सामने बना दी गई है, जिसके अध्यक्ष हमारे विजय गुप्ता जी जो कि हमारे लक्ष्मीचंद गुप्ता जी के बेटे हैं, सपुत्र हैं, उनके सपुर्द की गई है। जिस प्रकार से वो रणनीति बनाएंगे, हम आगे उसी प्रकार से चलेंगे। आज हरियाणा व्यापार मंडल की प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों की यहाँ मीटिंग, जिसपे हरियाणा के कोने कोने से जो है हमारे व्यापारी नेता यहाँ पर आए हुए थे। हरियाणा व्यापार मंडल को कार्य करते हुए 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। अक्टूबर 1966 में व्यापार मंडल का गठन हुआ था, तो जब ये 50 साल में हमारी जो स्वर्ण जयंती जो आ रही है, इसके लिए आज मेन विषय ये रहा है, उसको हम कैसे जो है इसको मनाया जाए। आज हमने जो 3 फैसले इसमें इम्पोर्टेंट लिए हैं वो ये हैं, एक तो ये हम अक्टूबर माह जो अक्टूबर 1966 में व्यापार मंडल का गठन हुआ था, तो हम एक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन करेंगे, जिसके अंदर हरियाणा के कोने कोने से छोटा व्यापारी लेकर जो है सारे व्यापारी जो है भारी संख्या में भाग लेंगे, वो अक्टूबर माह में हम करेंगे। दूसरी ये बात थी, स्थान के बारे में भी काफ़ी चर्चा हुई, जबकि हाउस के अंदर से तो ये भावनाएँ इस तरह की थी कि सरसा के अगर व्यापारी वगैरह सरसा में हो, अगर कोई होटल गया वगैरह तो होटल में हो, कोई गुड़गांव गया वगैरह तो गुड़गांव में। लेकिन हमने सारी लोकेशन उसको देखते हुए 3 स्थान जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं, उसके अंदर रोहतक जो कि हमारा सेंट्रल व्यापार मंडल का जो है रहता है रोहतक हुआ, दूसरा एक पानीपत रहा, और तीसरा जो है करनाल का स्थान है। इसमें ये 3 स्थानों में से हमने एक कमेटी का गठन किया है। कब होगा ये? अक्टूबर के अंदर होगा, जो मैंने पहले बताया अक्टूबर के अंदर होगा, और इन 3 स्थानों में से हम फैसला लेंगे कि हम कौन से स्थान पर रहेंगे। और ये क्योंकि एक बहुत बड़ी एक ये हमारा सम्मेलन होने जा रहा है कि अपनी छाप आने वाले वर्षों में छोड़ेगा, तो इसके लिए हमने आज यहाँ 21 मेंबरी कमेटी का जो है गठन किया। मैंने नाम कोई बड़े से बड़ा संघर्ष अगर हरियाणा व्यापार मंडल ने करने की सोची है तो पानीपत के अंदर महेश पाटिया जी ने अपनी बात रखी थी संतन की बात और इसकी बात, तो मुझे भी तो ध्यान है कि मैंने ऐसी ऐसी परिस्थिति देखी है। रोजनाल गुप्ता जी बात हरियाणा व्यापार मंडल के अध्यक्ष गुप्ता जी, जो दूसरा स्थान है रोहतक, उसको भी मैं जो है सेकंड ईयर हूँ। तीसरी बात आई करनाल, हरियाणा व्यापार मंडल अपने 50 वर्ष पूरे होने पर जो स्वर्ण जयंती मनाने जा रहा है, उसके अंदर माननीय मुख्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी को मुख्य अतिथि के तौर पर निमंत्रण दे रहा है, और ये स्वर्ण जयंती का जो व्यापारी सम्मेलन होगा ये हरियाणा की तरक्की और उन्नति में एक मील का पत्थर साबित होगा, और हरियाणा के व्यापारियों को संगठित करके उनकी समस्याओं को हरियाणा सरकार से हल करवाने का प्रयास है।